Hello everyone, welcome to Avipsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 12 subject English lesson 3 deep water. In this video lecture we will see some important question answers. So let's start. Question number 1, when did Douglas first become afraid of water? Afraid means hota hai darna, means pehli bar Douglas ko pani se dar kab laga tha? So answer, when Douglas was at the age of 3 or 4, one day he was standing at the beach in California. Means जब Douglas लगभग 3 से 4 वर्ष के थे तब वे कहाँ गए थे? एक दिन वे खड़े हुए थे California के एक बीच पर. Suddenly means अचानक, the waves knocked him down and swept over him. और अचानक ही एक लहर आई और उस लहर यानी वेव से वो नीचे दब गए एंड जो लहर है उनके ऊपर से बह गई. स्वेप्ट मीन्स होता है बहना, बही. फॉर सम टाइम ही वॉज बरीड इन द वाटर एंड ही वॉज अनेबल टू टेक हिज ब्रीथ. और सम टाइम मीन्स कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वो नीचे दब गए, पानी के नीचे दब गए और वो अनेबल थे. मीन्स वो सांस लेने में, ब्रीथिंग करने में वो अनेबल हो गए, मीन्स सांस नहीं ले पा रहे थे. ही वॉज डीपली फ्राइटन, और वो बुरी तरह से भयभीत हो गए थे, काफ़ी भयभीत हो गए थे. फ्राइटन मीन्स डरे हुए थे या भयभीत थे. दिस वॉज द टाइम वैन ही फर्स्ट बिकेम अफ्रेड ऑफ वाटर. अब यही फर्स्ट समय था जब वो पानी से उनको डर लगा था, यानी वो पानी से डरे थे. नेक्स्ट है, Why was Douglas determined to get over his fear of water? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो Douglas है वो क्यों पानी के डर से छुटकारा पाना चाहते थे. It means वो क्यों determined थे, यानी दृढ़ निश्चय किए थे कि वो पानी का जो डर है उस पर वो विजय हासिल कर ले. So answer, Douglas went many famous water sports in his country. Means जो Douglas है वो अपने देश के कई वाटर स्पोर्ट्स में, कई फेमस वाटर स्पोर्ट्स में गए. बट अकॉर्डिंग टू हिज बिलीफ, वेन एवर ही वॉन्टेड टू पुट हिज फीट अंडर द वाटर द ओल्ड फियर्स वुड कम टू हिज माइंड. और वो बताते हैं अकॉर्डिंग टू हिज बिलीफ मीन्स अपने बिलीफ के हिसाब से वो बताते हैं कि जब कभी भी, वेन एवर मीन्स जब कभी भी वो अपने पैरों को वो पानी में रखते थे, पानी के अंदर रखते थे, तो क्या होता था कि जो पुराने ओल्ड फियर्स यानी जो पुराने जो भय है वो भर करके उनके माइंड में फिर से आ जाता था. ही बिकेम डिसअपॉइंटेड एंड ऑल हिज जॉयस ऑफ फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग गेट स्पॉइल्ड. और वो क्या हो जाते थे, डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश हो जाते थे. वो निराश हो जाते थे क्योंकि वो जो पुराने भय थे वो वापस उनके दिमाग में आ जाता था. सो वो निराश हो जाते थे और उनका जो जॉय था, जैसे फिशिंग करने का, मछली पकड़ने का, बोटिंग का या फिर स्विमिंग तैरने का, ये सारी जो इंजॉय रहता था वो क्या हो जाता था, स्पॉइल्ड हो जाता था, नष्ट हो जाता था, ख़त्म हो जाता था. दैट वॉज वाई ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर. और यही कारण थे जिसकी वजह से जो राइटर है वो अपने अंदर के डर को ख़त्म करना चाहते थे. इट मीन्स वो पानी के भय से छुटकारा पाना चाहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड डगलस ज्वाइन द YMCA पूल एंड वाई. यहाँ पे कहा जा रहा है कि डगलस ने YMCA पूल को कब ज्वाइन किया और क्यों, क्या रीज़न था कि वो YMCA पूल ज्वाइन किए. So answer, when Douglas was nearly 10 or 11 years old, he had a childhood fear of water. Means जब Douglas लगभग 10 से 11 वर्ष के थे तो उनके अंदर वो जो पुराना भय था, बचपन का जो भय था जब वो 3 से 4 वर्ष के थे, वो भय था उनके पास. He wanted to get rid of it. और वो क्या चाहते थे, वो इस डर से छुटकारा पाना चाहते थे. गेट रेड मीन्स होता है छुटकारा पाना. द YMCA हैड अ स्विमिंग पूल, और YMCA में एक पूल था, स्विमिंग पूल. इट प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम. दैट वॉज वाई Douglas joined it. और अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, और ये जो पूल है वो तैरना सिखाने की एक अवसर देता था, और जिसकी वजह से Douglas ने उसे ज्वाइन किया था. इट मीन्स वो अपने अंदर के डर को ख़त्म करना चाहते थे और ख़त्म करने के लिए ही उन्होंने YMCA पुल को ज्वाइन किया था. नेक्स्ट है,
What did the writer do to learn swimming at the YMCA pool? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो राइटर है वो YMCA पूल पे तैरना सीखने के लिए उन्होंने क्या किया? सो आंसर, द राइटर अरेंज्ड अ न्यू पेयर ऑफ वाटर विंग्स. सबसे पहले उन्होंने क्या किया तैरना सीखने के लिए, उन्होंने वाटर विंग्स खरीदे. इट मीन्स उन्होंने एक वाटर विंग्स का उन्होंने प्रबंध किया. ही एक्यूमुलेटेड हिज कॉन्फिडेंस बाय सीइंग अदर बॉयज. एक्यूमुलेटेड मीन्स होता है एकत्रित करना, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास या आत्मविश्वास. उन्होंने अन्य लड़के हैं उनको देख करके उन्होंने क्या किया, अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास को उन्होंने एकत्रित किया. एंड देन ही ट्राइड टू पैडल विथ हिज न्यू वाटर विंग्स. और अपने जो न्यू वाटर विंग्स थे उनसे उन्होंने चलाना स्टार्ट किया, उन्होंने पैडल करना स्टार्ट किया. ही प्रैक्टिस्ड दिस फॉर 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज. और उन्होंने 2 से 3 बार ये प्रयास बार बार अलग अलग दिनों किए. नाउ ही वॉज फीलिंग ईजियर देन बिफोर. और इस तरह से उन्होंने जब प्रयास करना स्टार्ट किया तो उन्होंने ये पाया कि ये जो स्विमिंग है वो ईजी लगने लगा था, यानी काफ़ी ईजी लगने लगा था. नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द राइटर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस वैन ही वॉज 3 or 4 years old. यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब राइटर लगभग 3 से 4 वर्ष के थे तो उनका क्या एक्सपीरियंस था, बचपन का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में वर्णन करना है. सो आंसर, व्हेन द राइटर वाज एट द एज ऑफ 3 or 4 वन डे ही वेंट टू कैलिफोर्निया बीच विद हिज फादर. सो जब राइटर लगभग 3 से 4 वर्ष के थे तब वो अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच पे गए थे. द राइटर वाज clinging his father, suddenly a strong wave came and swept over him. और वो अपने पिताजी से लिपटे हुए थे, clinging means लिपटे हुए थे, और suddenly means अचानक ही एक strong मजबूत तरंगे आई, wave आई, लहरें आई, and swept over him, और उनके ऊपर से चली गई. He was buried in water, और वो पानी के अंदर दब गए, बरीड हो गए. ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, और वो सांस नहीं ले पा रहे थे. हिज फादर वॉज स्टंट, और उनके जो पिताजी हैं वो भौचक्का रह गए. स्टंट मीन्स भौचक्का. दिस इंस्टेंस लेफ्ट इन हिज हार्ट अ फियर ऑफ वाटर. और यही जो घटना है जिसकी वजह से वो काफ़ी भयभीत हो गए. इट मीन्स इस दिन के बाद से जो राइटर है वो पानी से डरने लगे थे. मीन्स उन्हें फियर ऑफ वाटर हो गया था, यानी जल से भय हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राइटर नोटिस व्हेन ही वाज सिटिंग अलोन ऑन द साइड ऑफ YMCA पुल. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब राइटर YMCA पुल के साइड में वो बैठे हुए थे तब उन्होंने क्या नोटिस किया जब वो अकेले बैठे थे. सो आंसर, ही नोटिस्ड दैट देयर वॉज नो वन अराउंड द पुल. उन्होंने नोटिस किया कि पुल के चारों तरफ कोई नहीं थे. He was afraid to go in alone. और वो अकेले जाने से डर रहे थे. Afraid means डरना. So he just sat at the pool and waited for someone to come. और इस तरह से वो काफ़ी डरे हुए थे तो उन्होंने क्या किया कि वो वहीं पे साइड में बैठ गए थे, पुल के साइड में बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आएंगे. So इस तरह से वो अपने दोस्तों का, अपने फ्रेंड्स का वो इंतज़ार कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द 18 years old बॉय डू टू द राइटर एंड व्हाई. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो 18 years का जो लड़का है उसने राइटर के साथ क्या किया और क्यों. सो आंसर, द 18 years old बॉय सा दैट द राइटर वॉज सिटिंग अलोन ऑन द साइड ऑफ द पुल. सो 18 years के लड़के ने देखा कि जो राइटर है वो पुल के साइड में अकेले बैठे हुए थे. अलोन मीन्स अकेले. ही क्राइड, Hi skinny, how would you like to get ducked? और वो जो लड़का है 18 years का वो चिल्लाया. क्या चिल्लाया? Hi skinny, अरे पतलू तुम्हें डुबकी लगाना कैसा लगेगा. सो इस तरह से वो चिल्लाया. एंड एट द इंस्टेंट ही पिक्ड द राइटर अप एंड टोस्ड हिम इन टू द पूल. और तुरंत ही उसने क्या किया, राइटर को उठाया और उठा करके पानी में फेंक दिया. और इस तरह से उन्होंने ऐसा किया.
नेक्स्ट है, व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस एज ही वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो डगलस है वो जब YMCA पूल में मीन्स वो जब फर्स्ट टाइम नीचे बॉटम यानी तली पे जा रहे थे फर्स्ट टाइम, तब उनका क्या अनुभव था। व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस एज ही वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल। सो उनका अनुभव क्या था जब वो नीचे की ओर जा रहे थे यानी तली की ओर जा रहे थे। तो सो आंसर, द राइटर वेंट एट वंस टू द बॉटम ऑफ द पूल, ही वॉज इन फियर बट नॉट मच। मीन्स जब राइटर पुल के बॉटम में यानी पुल के तली पे जा रहे थे नीचे की ओर जा रहे थे फर्स्ट टाइम, तब वो फियर, ही वॉज इन फियर बट नॉट मच, वो डर तो रहे थे बट उतना ज़्यादा नहीं डर रहे थे। ऑन द वे डाउन ही मेड अ प्लान दैट ही वुड हिट द बॉटम एंड मेक अ बिग जंप। और वो जब जा रहे थे तब वो जाते जाते उन्होंने सोचा कि वो जब जैसे ही वो नीचे में जाएंगे, तली में जाएंगे, बॉटम में जाएंगे, वो क्या करेंगे, हिट करेंगे अपने पैरों से, अपने फिट के सारे वो हिट करेंगे नीचे से और जंप करके वो ऊपर आ जाएंगे। देन ही वुड कम टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। और वो जैसे ही जंप करेंगे और वो एक तरह से कॉर्क की भांति वो नीचे से ऊपर आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे और इस तरह से वो बच जाएंगे। इट मीन्स वो पुल से बाहर निकल जाएंगे। सो इस तरह से उन्होंने प्लान किया और यही उनका एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द राइटर फेल टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल एज ही होप्ड टू। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे उम्मीद की गई थी कि जो राइटर है वो आसानी से ऊपर आ जाएंगे यानी वो सरफेस पे आ जाएंगे, पुल से बाहर आ जाएंगे, सो जो राइटर है वो सरफेस पे नहीं आ पाए। सो उनका फेल होने का रीज़न क्या था। Why did the writer fail to come to the surface of the pool? वो पुल के सरफेस में आने में असफल रहे, क्यों। सो आंसर, डगलस जम्प्ड विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ। डगलस ने अपनी पूरी साहस के साथ उन्होंने उछाल मारा, बट हिज जम्प मेड नो डिफरेंस। बट उनके जम्प करने का कोई रीज़न नहीं निकला, मीन्स उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई अंतर ही नहीं आया। ही वॉज फ्राइटन, और वो डरे हुए थे। He felt that his arms and legs wouldn't move. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फील किया, ये महसूस किया कि उनके जो आर्म्स है, उनके जो हाथ है, उनके जो पैर है, वो मूव नहीं हो सक रहे थे। That was how he was fell to come to the surface as he hoped. और इस तरह से उन्होंने जैसे उम्मीद की थी कि वो आसानी से बाहर आ जाएंगे, वो सरफेस पे आ जाएंगे, वो नहीं आ पाए और इस तरह से वो असफल हो गए सरफेस पे आने के लिए। नेक्स्ट है, हाउ डिड द राइटर फील व्हेन ही स्टॉप्ड हिज ऑल एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ इन द पुल। फील मीन्स महसूस करना, स्टॉप मीन्स बंद करना, एफर्ट्स मीन्स प्रयास। सो जब राइटर ने पुल में अपने आप को बचाने के जितने भी प्रयास थे उन प्रयासों को जब उन्होंने बंद कर दिया, तब उन्हें कैसा महसूस हुआ। सो आंसर, नाउ ही वॉज रिलैक्स्ड। वो रिलैक्स फील कर रहे थे। अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज माइंड, और उनके माइंड में एक कालापन छा गया था, ब्लैकनेस छा गया था। इट रिमूव्ड ऑल आउट ऑल फियर, और इसने उसके जितने भी भय थे उसको रिमूव कर दिया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, और किसी भी तरह का कोई भय नहीं था। ही फेल्ट ड्राउजी, और वो नींद महसूस कर रहे थे, मीन्स नींद में आ चुके थे। आफ्टर दैट एवरीथिंग ब्लैंक्ड आउट, और उसके बाद सारा चीज़ भाव शून्य हो चुका था। सो इस तरह से उन्होंने एक्सपीरियंस किया। सो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं 10 क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन थैंक यू।